हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द चैप्टर दैट इज फेडरलिज्म। ठीक है, और फेडरलिज्म में हम क्या पढ़ रहे हैं? डिसेंट्रलाइजेशन इन पावर, जिसमें हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लोकल गवर्नमेंट बनाई जाए और कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दी जाए। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बन तो गई लेकिन पावर्स नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के प्रॉपर इलेक्शंस वगैरह नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, अभी जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की, तो हमारे यहाँ रूरल इंडिया भी है और अर्बन इंडिया भी है ना। तो रूरल एरिया में क्या बनी? रूरल एरिया में पंचायत, है ना, पंचायत बनी। ठीक है, और अर्बन एरिया में म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, ये अर्बन, और क्योंकि अर्बन एरिया में तो पंचायत नहीं बन सकती, विलेजेस में ही पंचायत बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू रूरल एरिया और अर्बन एरिया में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज बनाई गई, लेकिन इनके वर्क को कौन लुक आफ्टर करेगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, ये सब चीज़ें डिसाइडेड नहीं हो पा रही थी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो नई गवर्नमेंट है, ये सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रही। ठीक है, तो अब ये सही तरीके से वर्क कर पाए, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स इन्हें प्रोवाइड करने के लिए डिसाइड किया। और फाइनली 1992 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए। किसके लिए हुए? टू गिव द पावर इन दीज टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये कौन से अमेंडमेंट थे? दैट इज 73rd and 74th अमेंडमेंट। ठीक है, 73rd और 74th, ये दो अमेंडमेंट किए गए। बेसिकली 73rd अमेंडमेंट जो था, दैट इज फॉर द प्रोवाइडिंग द पावर टू द रूरल एरिया, कि रूरल एरिया में पंचायत किस तरीके से काम करेगी, और 74th जो था, दैट इज बेसिकली फॉर द अर्बन एरिया, कि अर्बन एरिया में म्युनिसिपैलिटीज क्या क्या लुक आफ्टर करेंगी और किस तरीके से काम करेंगी। ठीक है, इसके लिए बाकायदा 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लोकल गवर्नमेंट को प्रॉपरली वर्क कर सकने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ सबसे पहले बोला गया कि भाई रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, रेगुलर इलेक्शन का मतलब आफ्टर एवरी 5 ईयर, हमारे यहाँ 5 ईयर का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रेगुलर इलेक्शंस हो सके, इसके लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बना। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, पूरी कंट्री में इलेक्शन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। इसी तरीके से हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जो कि हर जगह जितने भी विलेजेस हैं उस स्टेट के, सभी स्टेट में पंचायत के चुनाव करवाएंगी, और जितने भी टाउन और सिटीज हैं वहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव करवाएंगी। ठीक है, यानी टाइम टू टाइम रेगुलर इलेक्शन के लिए बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई, जो कि अब इलेक्शंस प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ रिजर्वेशन भी दिया गया। रिजर्वेशन दिया गया किसको? एससीज, एसटीज एंड ओबीसी। ठीक है, इन्हीं तीन कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दिया जाता है ना, तो इन तीनों के लिए पर्टिकुलर एरियाज फिक्स कर दिए गए, सीट्स फिक्स कर दी गई इन द रिजर्वेशन की। यहां पर से इलेक्शन में केवल एससीज
या एसटी या ओबीसी का व्यक्ति खड़ा होगा और बाकी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जनरल्स। ठीक है, इसके अलावा क्या कर दिया गया, एक और चीज कर दी गई, यहां पर 1/3 सीट्स जो हैं रिजर्व फॉर वुमन। ठीक है, 1/3 सीट्स जो हैं वो वुमन के लिए रिजर्व कर दी गई, यानी कि अधिकतर रूरल एरिया में पंचायत में 1/3 सीट्स पर केवल फीमेल कैंडिडेट ही इलेक्शन लड़ सकती हैं, वो सीट्स फिक्स हैं, वहां से कोई भी मेल व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो यहां पर सीट्स भी फिक्स कर दी गई, इसमें एससी एसटी ओबीसी की वुमेन्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, ये चीजें कर दी गई जिससे कि क्या हो सके, पावर का प्रॉपर डिवीजन हो सके, है ना। आज आप देखो कि पंचायत में सबसे ज्यादा वुमन कैंडिडेट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम विधानसभा और लोकसभा में फीमेल कैंडिडेट देखें तो 5-10% ही फीमेल कैंडिडेट्स हमें मिलेंगे, जबकि यहां पर 33% मिल रहे हैं, 1/3 सीट्स है ना, यहां पर 33% फीमेल है, बल्कि उससे ज्यादा ही हैं, है ना। रिजर्व सीट्स तो हैं, वहां तो लड़ ही सकती हैं, जो रिजर्व नहीं है वहां से भी लड़ सकती हैं, वो तो किसी के लिए रिजर्व नहीं है कि वो 33 के अलावा बाकी की मेल के लिए रिजर्व है, ऐसा तो है ही नहीं, तो वहां से मेल और फीमेल कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। 1/3 सीट्स जो रिजर्व है वहां पर से केवल फीमेल ही इलेक्शन में खड़ी हो सकती है, तो अधिकतर विलेजेस की सरपंच फीमेल ही हैं अगर हम रूरल इंडिया की तरफ देखें तो। ठीक है, इसके अलावा इनके रेवेन्यू सिस्टम में क्या किया जाए खर्चे के लिए। ठीक है, रेवेन्यू जो था वो इट वॉज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, डिसाइड बाय, सबके अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये जो फैसला है ये स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया गया, वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड रेवेन्यू पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को प्रोवाइड करती है जिससे कि वो प्रॉपरली अपने एरिया को मेंटेन कर सके, है ना। बहुत सारे काम प्रोवाइड होते हैं इनको, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट अपने अपने एरिया का करना होता है, चाहे वो रोड बनाने का काम हो विलेजेस में, वेल बनाने का काम हो, है ना, रोड लाइट्स, वाटर फैसिलिटीज, ये सब प्रोवाइड करवाने के काम हो, है ना, कोई भी डिजास्टर हो जाए उसमें हेल्प करने का काम हो। ठीक है, विलेज के अंदर तो जमीनें होती हैं बड़ी बड़ी, तो वो एग्रीकल्चर लैंड में इरिगेशन फैसिलिटी है, सीड्स हैं, है ना, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये सब प्रोवाइड करने के काम हैं। ये सारे काम कैसे करेगी पंचायत अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब मनी, ये जो है इट इज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली एक अमाउंट इन पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज के लिए फिक्स रखती है जो कि ये अपने एरिया के डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोकल गवर्नमेंट जो है दैट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू द होल कंट्री, है ना। अब इसके लिए हमारी ग्राम सभा बनती हैं, कई सारे वार्ड्स बनते हैं, हम जब भी हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम कहाँ जाते हैं, अपने वार्ड पार्षद के पास, है ना। वार्ड पार्षद क्या करते हैं, दे आर सॉर्ट आउट आर प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार इसकी ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो आप कि ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी इन 1992 में थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो यहां पर कुछ विलेजेस मींस मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव द पंचायत, है ना, पंचायत समितिज हैं, पंचायत समिति से मिलकर के ग्राम सभा बनती है ना। अधिकतर जो भी डिस्प्यूट होता है विलेज लेवल पर, वो विलेज लेवल का डिस्प्यूट उस पंचायत समिति या ग्राम सभा के थ्रू डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी अलग अलग गांव, एक गांव की एक पंचायत, तो 5-6 गांव मिलकर के एक ग्राम सभा बनाते हैं, उसमें हर गांव के सरपंच जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, और छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को तो ये वहीं पर ही
ख़त्म कर देते हैं, एक तरीके से जुडिशरी का भी काम कर रहे हैं। बहुत हम बड़े केस की बात नहीं कर रहे, अगर विलेज के लोग जाना चाहें तो वो उन केसेस के लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हैं, आपस में कोई लड़ाई झगड़ी झगड़ा हो गया है या प्रॉपर्टी को लेकर के भाई भाई में झगड़ा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं ये ग्राम सभा वहीं पर ही डिसॉल्व कर देती है। ठीक है, इसी तरीके से सिटीज़ के अंदर ये म्यूनिसिपैलिटी है जो सिटी के डेवलपमेंट के लिए है ना, उसके लिए पूरी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती है कि कहीं पर भी अर्बन एरिया में, टाउन में, सिटी में प्रॉपरली डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोग डायरेक्ट इनको अप्रोच कर सकते हैं। गरीब लोगों को मकान प्रोवाइड करना, हमने देखा ना प्रधानमंत्री आवास योजना है या रोजगार योजना है, इन सब के लिए म्यूनिसिपैलिटी के ही मेंबर्स जो हैं वो आगे आते हैं और वो इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो यही देखती है कि किस किस एरिया में किस तरीके से प्रॉपरली रोड्स बनाई जा सकती हैं, रोड लाइट्स, नए हैबिटेशनल एरिया कहाँ पर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एरिया और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया करने के लिए ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू कंप्लीट द लोकल गवर्नमेंट, कि लोकल गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट को दी हैं, जिसकी वजह से कुछ इनकी ऑर्गेनाइजेशन या हम कह सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुए हैं। तो सबसे पहले जो लोकल गवर्नमेंट है, रूरल गवर्नमेंट को अपनी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट की है। ठीक है, रूरल यानी विलेजेस के अंदर, है ना, विलेजेस के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की है, तो विलेजेस के अंदर जो गवर्नमेंट बनती है उसको हम पंचायती राज भी कहते हैं। ठीक है, पंचायती राज में हर विलेज के अंदर एक ग्राम सभा होती है ना। ग्राम सभा क्या होती है, विलेज के अंदर बाकायदा इलेक्शंस होते हैं और वहां से एक पंच चूज होकर के आता है। तो यहां पर ईच विलेज में भी हो सकते हैं ये ग्राम सभा, अगर विलेज बहुत छोटा है तो ग्रुप ऑफ विलेज में भी हो सकती है। ठीक है, हर विलेज के अंदर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हर विलेज में एक ग्राम सभा होगी या ग्रुप ऑफ विलेज में एक ग्राम सभा होगी। फिर इसके जो मेंबर्स हैं, दैट वर नोन एज मेंबर्स, नोन एज पंच, क्या कहलाते हैं इसके मेंबर्स, पंच कहलाते हैं। ठीक है, अब कई सारी ग्राम सभा मिलकर के आपस में डिसीजन लेने के लिए दे फॉर्म वन ऑफ अ बिग यूनिट और वहां पर वो अपना प्रेसिडेंट चूज करती हैं। ठीक है, कुछ गांव आपस में मिलके प्रेसिडेंट चूज करते हैं जिसको कि सरपंच भी कहते हैं। सुना है ना आपने पंच और सरपंच, है ना, यानी इन पंच में से ही, ये जो पंच चूज होकर के आए हैं अलग अलग ग्राम सभा के, इन पंच में से ही किसी एक को सरपंच चूज कर लिया जाता है। ठीक है, हर साल कम से कम 2 से 3 बार ये मिलते हैं, दे मीट एटलीस्ट 2 or 3 times इन अ ईयर, एक साल में। ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार उन्हें आपस में मिलना होता है। क्यों मिलते हैं, टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर विलेज, कि उनके विलेज के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन उसका होगा वो आपस में दे डिस्कस्ड। अंडरस्टूड, तो यहां पर रूरल गवर्नमेंट या पंचायती राज विलेज के डेवलपमेंट के लिए काम करती है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है बेसिकली इट इज वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। फिर यहां से कुछ ग्राम सभा मिलकर के पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल बनाती हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, यानी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर बहुत सारे विलेज हैं तो इसको 2 parts में बांट दो, कम है तो उसमें से सभी को मिलाकर के एक पंचायत समिति बनेगी। जितने भी
ग्राम सभा है उनसे मिलकर, ठीक है, और उसको ब्लॉक या मंडल भी कहा जाता है। फिर ये जो पंचायत समितियां हैं इनसे मिलकर के एक जिला परिषद बनेगी, ठीक है। जिला परिषद के मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं, इसके अंदर कुछ मेंबर्स एमएलए भी होते हैं, ठीक है। इसके मेंबर्स जो हैं एमएलए भी हैं, है ना। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा के मेंबर्स भी हैं, ठीक है। तो यहां पर पंचायत समिति मिलकर के बना रही हैं, कई सारी पंचायत समिति मिलकर जिला परिषद बना रही हैं, कई सारी ग्राम सभा मिलकर के पंचायत समिति बना रही हैं, ठीक है। तो जिला परिषद में एमएलए भी होते हैं, यानी कि यहां पर जो भी प्रॉब्लम है या डेवलपमेंट है लार्ज स्केल पर डिस्कशन होता है और सॉल्यूशन निकल करके आता है, क्योंकि एमएलए भी हैं, यानी डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट में इश्यूज भेजे जा सकते हैं इनके थ्रू, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट पे अगर इश्यूज भेजने हैं तो किसके थ्रू जाएंगे, थ्रू द जिला परिषद, ठीक है। दिस इज अबाउट द रूरल गवर्नमेंट और पंचायती राज। फिर सेकेंड हमारा आता है अर्बन लेवल, है ना। अर्बन लेवल के अंदर दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन है अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया या पॉपुलेशन, ठीक है। टाउन्स जो है, टाउन्स के अंदर म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, वहीं अगर बिग सिटी है तो वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, ठीक है। ये पॉपुलेशन के हिसाब से भी इस चीज को डिवाइड कर दिया जाता है कि कितनी पॉपुलेशन पर म्युनिसिपैलिटी होगी और कितनी पॉपुलेशन पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगा। बेसिक काम इनका भी क्या है, टू टेक केयर ऑफ द सिटी, ध्यान रखना, डेवलपमेंट के लिए वर्क करना, जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो लोगों को प्रोवाइड करना, ठीक है। यहाँ के जो मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स आर इलेक्टेड, ऑल मेंबर्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सभी मेंबर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अब यहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनमें से किसी एक को दे चूज एज देयर प्रेसिडेंट, जैसे यहां पर सरपंच बनाया ना, ऐसे ही यहां पर भी जितने भी मेंबर्स हैं वो इनमें से एक अपने लिए एक प्रेसिडेंट चूज करते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन या फिर मेयर भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन के अंदर क्या होते हैं, दैट इज हैव म्युनिसिपल चेयरमैन, ठीक है, नोन एज, किस नाम से जानते हैं उन्हें, मेयर, ठीक है। म्युनिसिपल चेयरमैन को क्या कहते हैं, मेयर भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी जितनी भी मीटिंग्स होंगी उनको मेयर ही प्रिसाइड ओवर करेंगे, वही ध्यान रखेंगे किस तरीके से मीटिंग्स होनी है ना। तो ये है हमारा अबाउट द रूलर गवर्नमेंट का एक फ्लो चार्ट, जिसके थ्रू में पता चल रहा है कि किस तरीके से रूलर गवर्नमेंट वर्क करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, है ना। इनको डिवाइड करने के पीछे मेन मोटो क्या है, कि हर एरिया का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, है ना। हमारे यहाँ पर इतने सारे विलेजेस हैं, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, वैसे एरिया वाइज 7th नंबर पे है, बट पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो 2nd नंबर पे ही है। तो सभी को प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल हो, ये देखना लोकल गवर्नमेंट का काम है। वैसे तो तीनों ही गवर्नमेंट ही बेसिकली यही काम करती हैं कि जो लोग हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, वो पीसफुली, है ना, विद द ऑल राइट्स कंट्री के अंदर
रह सकें। ठीक है, इस लोकल गवर्नमेंट में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 36 लाख से भी ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं इन ऑल ओवर इंडिया। 36 लाख, कई सारी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं होगी, इससे कम होगी। इतने तो हमारे यहाँ मेंबर किसमें हैं, केवल लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, उसके मेंबर्स अलग हैं। केवल लोकल गवर्नमेंट में ही लगभग 36 लाख से ज़्यादा मेंबर्स एम्प्लॉयड हैं, जो कि अपने अपने एरिया के डेवलपमेंट का वर्क करेंगे। और इसमें हमने देखा है 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व हैं, वुमेन के लिए रिजर्व हैं, है ना, जिसकी वजह से अधिकतर विलेजेस के पंच, सरपंच या मेयर, दे आर द फीमेल ओनली, है ना। ये रिजर्वेशन केवल लोकल गवर्नमेंट में ही है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं है फॉर द फीमेल, है ना। आप ये मत सोचना कि सभी गवर्नमेंट में रिजर्वेशन है, हम केवल लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी भी वुमेन रिप्रेजेंटेशन 5-12% ही है, इससे ज़्यादा वुमेन कैंडिडेट्स वहाँ पर नहीं हैं। लोकल गवर्नमेंट में इट्स मोर देन 33%, ठीक है, 33% तो रिजर्व ही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी कई जगह पर वुमेन पंच और सरपंच हैं, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, आप इस फ्लो चार्ट को बना लीजिएगा प्रॉपरली, है ना। और फिर हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय।